माइनक्राफ्ट का काला सच जो कि तुम्हें अब तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। वैसे तो माइनक्राफ्ट के बहुत सारे सच हैं, लेकिन फिलहाल मैं तुम लोगों को जो बताऊंगा वो माइनक्राफ्ट के होम स्क्रीन से रिलेटेड है। तुम्हें ये पता होगा कि माइनक्राफ्ट के होम स्क्रीन पे जो भी स्प्लैश होता है वो अपने आप ही जबरदस्ती कुछ भी आ जाता है, उसमें हमारा तुम्हारा कोई रोल नहीं होता। जो सच है वो यही है कि ये जो स्प्लैश टेक्स्ट है इसको माइनक्राफ्ट वाले खुद भी कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वो लोग उस टेक्स्ट में अपनी मर्जी से कुछ भी ऊपर नीचे करके लिख नहीं सकते हैं। वो जो आएगा सो आएगा। अब ये चीज सच है इसलिए वो बताने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। पड़ोसी के घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर हम डोरेमोन से लड़ाई झगड़ा करके उसकी टाइम मशीन चुरा के 2014 में वापस जाए जिस टाइम पे नोच का राज चलता था, उस टाइम पे नोच ने खुद एक ट्वीट करके बताया था कि माइनक्राफ्ट की होम स्क्रीन पे जो टेक्स्ट स्प्लैश होता है वो उनकी समझ से ही बाहर है, उसमें कभी भी कुछ भी स्प्लैश हो सकता है। और ये चीज नोच ने खुद कही थी। लेकिन जब उसके बाद गेम माइक्रोसॉफ्ट का सेल हुआ तो वहाँ पे कुछ बहुत ही तगड़े बिग ब्रेन वाले लोग थे जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिन्हें मैंने कोचिंग क्लासेस दी थी। उसके लिए बस एक ही रूल है कि सब्सक्राइब कर लो और सिम्बलू की क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के बिग ब्रेन वाले एम्प्लॉयज थे उन लोगों ने ये चीज क्रैक कर ली और उन्होंने पता लगा लिया क्या करें इस टेक्स्ट की जुबान पे कैसे लगाम लगाना है। बस फिर उन लोगों ने उस टेक्स्ट को कस्टमाइज करना सीख लिया मेरी बदौलत। और ये पूरी ट्वीट नोच ने अपने ट्विटर पे की थी, वो भी 2014 के टाइम पे। लेकिन अगर तुम आज के टाइम पे ट्विटर पे उनकी ट्वीट ढूंढने के लिए जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। बाकी अगर तुम ट्विटर पे पहुंची गई हो तो मेरे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लेना, जब चैनल हैक होगा तो वहीं पे बताऊंगा।